हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू गाइस आर वाचिंग मोनास लाइफ। दिस शुड नॉट बी द इंट्रो, आई मीन वेट, आई विल मेक वन मोर। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तक्षा सेन एंड यू गाइस आर वाचिंग मोनास लाइफ। ओके, सो आई एम बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे आवाज़ आ रही हो तो वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर देना। और यस, नहा धो ली हूँ मस्त, बाल वाल सूख गए हैं एकदम। वीडियो बनाते बनाते इंट्रो बनाने में भाई साहब जान निकल जाती है। मैंने कम से कम 5 से 6 इंट्रो शूट कर लिए हैं और फिर भी अभी भी पता नहीं ये वाला इंट्रो सही होगा या नहीं। बट मैंने मस्त सा इंट्रो शूट करने की कोशिश करी है। आज सुबह से मूड बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा सा ग्लो देख रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाई, कोई रीज़न नहीं, बस पता नहीं एकदम से मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ब्लॉग करते हैं, बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं करी है। सो ओके, और आज हमने कुछ सोचा है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग जा रहे हैं मॉल शॉपिंग करने, और हम इन द सेंस में मैं और मेरी मम्मी, और हम लोग जाके कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। देखते हैं बाहर मार्केट में क्या क्या तैयारी हुई है, क्योंकि राखी आ रही है। सो हम लोग जाके कुछ शॉपिंग करेंगे। अगर आवाज़ तेज़ नहीं आ रही है तो गाइस प्लीज़ फिर से मैं कह रही हूँ कि अपनी वॉल्यूम को तेज़ कर लें मोबाइल की, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ बेयर विथ मी। क्योंकि मैंने स्पीकर लगा के भी देखा, लास्ट वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ धीरे आती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आवाज़ धीरे आती है, पर मैं इसमें कितना तेज़ बोलूँ कितना तेज़ बोलूँ। मैं जैसे शूट ही तो कर रही हूँ व्लॉगिंग में यार, कितना तेज़ बोलते हैं यार गाइस। तो हाँ ओके, सो प्लान आज का ऐसा है कि अभी हमने ऐसा प्लान तो किया है, आई डोंट नो कि हाउ द प्लान गोज़ एंड हाउ द डे गोज़। सो मस्त रेडी होंगी मैं, अच्छा सा हैप्पी सा मूड है। तो जितने भी अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, सब करवा लो मुझसे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होने वाली हूँ आज। मैं बहुत हैप्पी से मूड में, आई एम लाइक हाँ चलेगा, हाँ ओके, हाँ कर लो, हाँ आपको जैसे ठीक लगे, बस मैं ऐसे ही कर रही हूँ आज सुबह से। और बस मस्त सब काम वाम हो गया, अभी हम लोग जाने वाले हैं मॉल। वहाँ पे अगर शॉपिंग करी हमने, और अगर नहीं करी तो भी बताऊँगी, अगर करी तो भी बताऊँगी, और अगर मैं शूट कर पाई। वैसे आई एम सच एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बहुत शर्म आती है मुझे, बहुत ज़्यादा शर्म आती है बाहर शूट करें। मतलब अगर मुझसे अगर कह दे कि फ़ोटो के लिए पोज भी दे दो बाहर, आई कैन नॉट डू दैट। तो व्लॉगिंग का तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं, वीडियो बनाऊँगी, हो सकता है बैकग्राउंड म्यूज़िक दे दूँ, पर देखते हैं कि क्या कर पाती हूँ मैं क्या नहीं। सो आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ कि हाँ यू कैन डू इट मोनी, यू कैन डू इट, बाहर शूट कर सकती है तू। तो आई विल ट्राई कि कितना मैं शूट कर पाती हूँ, कितना ये चैलेंज मैं खुद से एक्सेप्ट कर पाती हूँ। सो आई विल शो इट इन द वीडियो। और मेरे मोबाइल में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, शायद ख़त्म हो रहा है स्टोरेज। तो मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मोबाइल की गैलरी खाली करो खाली करो, कितने रील्स भर के रखे हैं तुमने। तो हाँ, अभी मैं थोड़ा स्टोरेज क्लीन भी करूँगी, उसके बाद 2-3 काम है घर पे वो करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। अभी बज रहे हैं 1:45, आई मीन 12:45, और आज की डेट है क्या डेट है आज, 9th अगस्त है आज। सो अगस्त ओके, सो 9th अगस्त है आज। और हाँ, तो देखते हैं कि हम लोग जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि प्लान तो बनाया है हमने, अभी खा पी के हम लोग फिर निकलेंगे, फिर मैं वहाँ का शूट करूँगी। और आई मीन सच अ हैप्पी मूड टुडे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्लॉगिंग करना। सो यस, और हाँ मैंने एक चीज़ आज खुद से डिसाइड करी है कि 1 वीक में 2 वीडियोस में डालने का फुल ऑन ट्राई करूँगी। जो भी शूट कर पाऊँगी, जो भी वीडियोस बनाऊँगी, जो भी हो सकेगा मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कॉन्स्टेंट ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियोज़ डालती हूँ। आई मीन लास्ट वीडियो मैंने कब डाला था, हाँ लास्ट वीडियो मैंने डाला था, आप लोग देखना ज़रूर, मैंने एक DIY प्रोजेक्ट लिया था, आई मीन किया था यूट्यूब पे, तो आप लोग देखना। आई वॉज नॉट इन द वीडियो, आई मीन आई वॉज इन द वीडियो बट आई वॉज नॉट इन द वीडियो। सो तो आप लोग देखना ज़रूर, मैं लिंक डाल दूँगी। और हाँ मतलब अगर आप लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा हंसाती भी रहती हूँ, आई एम सच अ हैप्पी पर्सन, खुद से ही बातें करती हूँ, खुद से ही हंसती रहती हूँ। आसपास वाले मुझे कहते हैं कि पागल है ये लड़की, बट यस आई एम पागल।
अभी आगे क्या होता है मैं बताती हूँ, ठीक है? आगे बाय। तो गाइस खाना लग गया है, बच गए हैं 1:10 और खाने में बना है आलू बैंगन, फेवरेट है मेरे, और पोहे हैं, और पोहे भी मैंने लंच में मतलब ब्रेकफास्ट में खाए थे पर थोड़े बच गए थे तो मैंने लंच में भी खा लिए। बीटरूट भी है, बीटरूट मैंने मम्मी को बोला है छिलके दो पर मम्मी अभी तक छिलके नहीं दे मम्मी मोबाइल में लग गई तो हम लोग अभी बस आज तो बड़ा व्लॉगिंग का मन कर रहा है मेरा, मम्मी का भी मस्त व्लॉगिंग में बोलने का मन कर रहा है तो बस हम लोग बोलते जा रहे हैं और मैं खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद बोलते जाओ हाँ, बोलना ही इज़ लाइक व्लॉगिंग, व्लॉगिंग व्लॉगिंग में बस बोलना में मतलब से व्लॉगिंग। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे फिर मॉल से फिर जाएंगे घर आ जाएंगे। तो ठीक है मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी गाइस। गाइस हम लोग आ गए हैं मॉल एंड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि एवरीवन इज़ वॉचिंग मी। तो गाइस हम लोग अभी आ गए मॉल में और अभी हम देख रहे हैं ड्रेसेस, तो देखते हैं अभी कैसे लगते हैं हमें। थोड़ा सा मैंने कहा था ना कि इंट्रोवर्ट हूँ मैं थोड़ा सा, अभी कोई है नहीं यहाँ पे इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं और ये लोग हम लोग आ गए हैं चाइल्ड सेक्शन में। ये बहुत ही सुंदर एरिया लगता है मुझे जो है डेकोर वाला, मैं आपको दिखाती हूँ। ₹500। मेरी मम्मी मुझे कुछ दिखा रही है, पता नहीं लेती है या नहीं। क्या है ये, क्या है ये? अच्छा ये लैंप है क्या, कैंडल होल्डर? अभी आपने मंगाया है ना, अभी वो देखो ना, मैं कैंडल बोल रही थी उधर, कैंडल देखने को। ये 200 का है, लेना है कैंडल है ये? हाँ, ले लो ना एक। पर इसका कलर ऑफर में, ऑफर में, हाँ ये सब ऑफर में, ये सब ऑफर में है। इसका क्या फ्रेग्रेंस क्या होगा इसका, नॉर्मल है क्या? अच्छा नॉर्मल एकदम सादा नहीं है, ले सकते हैं और भी है क्या? हाँ ये अपर में, उधर अपर में वाला ना फोन है वो भी ऑफर में है। अच्छा लेना है तो हाँ देख लेते हैं। ये बकेट भी देखो, अच्छा ये भी कैंडल ही है, 200 का ये है। ये लैंटर्न रखने वाला है, लैंटर्न का है हाँ वो। ये भी देखो, ये भी कैंडल्स ही है, एक ही है नहीं तीन होंगे शायद। अच्छा ये वो स्टिक्स वाले हैं, 200 के। अच्छा वो आएगा ऑनलाइन भी, हाँ ऑनलाइन भी 200 का अगर। हाँ ये बास्केट कहाँ पे होगा? हाँ मम्मी वो बहुत महंगा है, 500 का। हाँ 500 भी बहुत महंगा है, उसको कहाँ रखें? आपने जो आप थैंक यू, आपने जो देखा था ना वो थोड़ा ज़्यादा सस्ता था। मैं ही कैंडल बोल रही हूँ, कैंडल वाला ले सकते हैं अपन। ये हाँ पारा था नहीं। अच्छा ये वो पूरा है नहीं, वो हमको सिर्फ एक सिंगल चाहिए था, वो टेबल पे नहीं आता हाँ वो वाला चाहिए। हाँ थोड़े से यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्लावर्स भी हैं, ऐसा मन करता है ले लूँ सारे ले लूँ, इनमें से खुशबू इतनी अच्छी आती है ना। और बहुत सारे यहाँ पे दूसरे आइटम्स भी हैं, वैसे यहाँ पे कलेक्शन थोड़ा कम होता है बट अच्छा लगता है। लुक एट दिस क्यूट से लंच बॉक्सेस, आई थिंक इट्स अ पिज़्ज़ा ट्रे।
मेरी मम्मी को कुछ पसंद आया है यहाँ पर शायद 500 दिवाली पे लगा के मैं बना दूंगी मम्मी DIY, एक वीडियो भी बन जाएगा यूट्यूब के लिए, ले सकते हैं बट 500 बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के लिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के देते हैं लोग। ये बहुत वक्त से मुझे ये लेने का था, इसका मैंने समय चला दिया है। एस्थेटिक लुक, मम्मी अगर आपको एस्थेटिक लुक देना है ना तो आप ये ले सकते हो। मम्मी अगर आपको एस्थेटिक लुक देना है ना अपने घर में तो आप ये ले सकते हो, जो ये रखे ना ये ये सारे ये एस्थेटिक लुक देते हैं घर में। लेकिन एक ही एक स्टिक 800 के सारा पूरा इतने का होगा, सोच लो। देखो भैया देखो, ये इसलिए नहीं ले सकते, ये बहुत अलग है। मेरी मम्मी इनके प्राइजेस देख के बोल रही है लोग डिस्काउंट क्यों नहीं देते, जिसको देखो उसको 1700-1500 का। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, ये देखो जितना भी लॉन्ग ड्रेसेस है उसको जो कपड़ा बचा था उससे शॉर्ट ड्रेसेस बना दिए। नाउ एवरीवन इज लुकिंग एट मी, लुक एट दिस, द सेम वन इज ओवर हियर गाइस। हमें यहाँ पे पसंद तो सब कुछ आ रहा है, ड्रेसेस भी सब कुछ, बस इनके प्राइजेस जो हैं ये इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, ओह सॉरी इससे कम हो ही नहीं रहे। ब्रांडेड है ना, ब्रांड का पैसा होता है ब्रांड का। एक हाथ आपको बनवाना, आपको बनवाना बैठना पड़ेगा, बैठना तो पड़ता है गाइस। हम लोग फुटवेयर सेक्शन में हैं और अगर हम लोग ने फुटवेयर सेक्शन में फुटवेयर पहन के ना देखे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। साइज ले रहे हैं ये अच्छे वाले पहन के देख, आई थिंक ये आ जाएगी। गाइस यहाँ पे बहुत ही क्यूट से सॉफ्ट टॉयज हैं, बट आई डोंट लाइक देम, क्यूट से सॉक्स हैं, क्यूट से लाइक हाँ गाइस। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे फोटो वीडियो का मना कर दिया तो हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं गाइस। हम लोग अभी आए हैं मिस्टर DIY में और ये मेरी सबसे बेस्ट प्लेस है टू बाय समथिंग, मतलब ये एक तरीके से फॉरेन का टारगेट है। सब कुछ मिलता है भैया यहाँ पर, सब कुछ मिलता है, लाइक सब कुछ, बंदे को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पूरा मिनीसो भी यहीं पे पड़ा है, सब कुछ, इतना फैशन का बाप है ये। आपको जितनी भी हो सके उतनी न्यू चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी, मतलब बंदे ने जो जो चीज़ नहीं देखी वो भी मिल जाएगी। मॉम आ गई है अभी हमारी किचन के सामान देखने के लिए। मम्मी अब आपको हमारी इज्जत रखने के लिए कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। ये लिया ना इज्जत रखने के लिए, नहीं थोड़ा बहुत कुछ तो रखना पड़ेगा के लिए बेटा, थोड़ा बहुत कुछ तो। ये हमने वहाँ पे
सेंड टाइम वाला करा था, ये पता नहीं क्या है, उल्टा ये कुछ क्या है, ये क्या शेप, क्या पैग अरे भैया ये तो पैग बनाने वाला है, ये रोटी रखोगे इसमें? रोटी रखो। भाई इंडिया है, ये कोई भी चीज़ रख दो तुम उसमें फैशन बन जाएगा फैशन। हमारी मम्मी थक गई अब गाइस, मन तो इतना कर रहा है ना इसको लेने का, पर अगर मुझे इन सब चीज़ों की एक बार लत लग गई तो मेरे घर में सब कुछ गोल्डन गोल्डन ही दिखेगा आपको, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। देयर इज़ नो द रीज़न टू नॉट बाय इट। वाओ कलर कितने प्यारे हैं, पेस्टल कलर्स। आई थिंक हमें कुछ तो लेना चाहिए पर क्या। गाइस मुझे इतने सुंदर ब्रेसलेट्स मिले इन ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ एंड आई एम वेरी 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 कन्फ्यूज। मम्मी ने बोला एक ही लेना है एंड आई एम लिटरली वेरी कन्फ्यूज कि मुझे कौन से लेने चाहिए, क्योंकि इतने प्रिटी हैं, इतने प्रिटी हैं, लाइक लुक एट दिस। मैंने ये वाला सोचा है, घर जाकर दिखाऊंगी, पर मैं कौन से लूँ, ओह माय गॉड आई एम वेरी कन्फ्यूज। बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक एट होम और बहुत मज़ा आया। वैसे हम लोग कितने 6 o'clock हो रहे हैं, 1 o'clock को निकले थे हम लोग, लगभग 5-6 घंटे हो गए रखड़ते रखड़ते और मम्मी तो पूरी थक चुकी है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए हम लोग, बस थोड़ा बहुत ही लेकर आए हैं। और ये माता जी हमारी लेकर आ गई है वड़ा पाव के साथ चाय पियेंगे, चाय पी लो गाइस। फर्स्ट वी बॉट सिंपल सा व्हाट इज इट, कैंडल, कैंडल सिंक मैट लेकर आए हम लोग। गाइस हम लोग सिंक मैट लेकर आए, इसको कहाँ लगाएंगे हम पता नहीं बस लेकर और ये चूड़ी लेकर आए मम्मी की, आधी से ज़्यादा शॉपिंग मम्मी की हुई है यहाँ पे गाइस। गाइस बस आप देख लो, मैंने सिर्फ एक ब्रेसलेट खरीदा, मैंने कुछ ना खरीदा, ये चूड़ी लेकर आए हम। शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू शो, जल्दी दिखा यार। और हम वड़ा पाव भी लेकर आए हैं, और ये चूड़ी लेकर आई है मम्मी मेरे कहने पर। इसकी प्राइस है 300 रुपये, ये 300 रुपये के हैं। ये कितने सुंदर है, कितने प्रिटी है, मैं पहन के दिखाऊंगी ठीक है, क्योंकि ये मेरे हाथ पे अच्छे लगेंगे और ये रेगुलर वाली चूड़ी लेकर आई मम्मी। और क्या लेकर आए मम्मी, ऐसा नहीं है मेरा ब्रेसलेट भी लेकर आया, वो भी दिखाओ, मेरा ब्रेसलेट दिखाओ। अरे मेरा, अच्छा गाइस मैं ये ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, बहुत प्रिटी है, 3 है। मैं इसका फ़ोटो इंस्टा पे स्टोरी रखूँगी, आप लोग वहाँ देख लेना, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मम्मी भी थक रखड़ते रखते। चलो मैं चाय पीऊँगी और वड़ा पाव खाऊँगी और सी यू बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ मैं रेगुलर व्लॉग्स डालती रहूँगी यूट्यूब पे, एक वीक में 2 व्लॉग्स डालने का मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है, तो मैं वो करूँगी। और ये माता जी पहन रही है चूड़ी तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कमेंट करना और लाइक भी करना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। टूट गई चूड़ी sure।